हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो गाइस इस बार मैं ब्रेन डॉम रिडल का पजल गेम प्ले पूरा करने वाला हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को भी ये वाली एंड्रॉयड बेस्ड जो पजल गेम प्ले है तो आप सभी लोगों को पसंद आने वाली है। तो मेनली रियल लाइफ के ऊपर ये पजल आप लोगों को देखने को मिलता है इसके ऊपर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि दो लोगों के बीच ये कन्फ्लिक्ट हो चुका है और दोनों बोल रहे हैं कि ये जो बच्चा जो नीचे पालकी में है ये हमारा है, मतलब मेरा है, ठीक है, हमारा नहीं मेरा है। तो इसमें बोला गया है राइट तरफ आई एम इस फादर और लेफ्ट तरफ आई एम इस फादर। तो हमें एक बंदे को निकालना होगा कि कौन इसका रियल फादर है। तो मैं बता देता हूँ कि बच्चा देख रहा है काले वाले सूट की तरफ, तो ब्लैक वाला इसका असली फादर है। अच्छा, हमें प्रूफ भी देना होगा। तो प्रूफ कैसे दे सकते हैं हम? वहाँ पर फोटो दिख रही है, उस पर मुझे क्लिक करना होगा शायद, है ना, देखना पड़ेगा भाई। प्रूफ का तो मुझे पता नहीं है, ये बिल्कुल पहली बार खेल रहा हूँ मैं तो यहाँ पर। ओके, अब क्या करूँ, यहाँ पे मैं टैप करना होगा क्या यहाँ पे? ये तो दिख रहा है कि डायरेक्ट राइट साइड में जो बंदा है उससे ये पूरा मतलब शक्ल और बॉडी पूरी मैच हो रही है। तो भाई राइट वाला बंदा तो है कंप्लीट तरीके से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम क्लिक कर देते। अरे भाई कर भी लो, क्या करूं अब मैं, कैसे बताऊं, हो गया ना, ठीक भाई। थोड़ा सा टाइम लग गया, मुझे लगा कि प्रूफ के ऊपर अगर हम लोग हिट कर देते हैं तो बिल्कुल हम लोग बिल्कुल ही आगे पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोगों को क्लिक भी करना होगा, उसके बाद आगे भी जाना होगा, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी हम पहुंच चुके हैं सेकंड वाले पजल की तरफ और दोनों जो लड़की लोग दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, तो दोनों में कन्फ्लिक्ट हो चुका है और बीच वाले लड़के के लिए औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी मत करना आप लोग, ठीक है। कहीं देखना पड़े कि भाई चप्पल वगैरह पड़ रही हो आपको। यहाँ पर लिख रखा है आई लव एम, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करके देखना पड़ेगा यहाँ पे। वहाँ पे लिखा हुआ है आई, दिल का साइन बना हुआ है, लव और फिर एम, यानी आई लव मैरी, ठीक है। दूसरे वाली शायद एस से शुरू था उसका नाम, तो इसीलिए आई लव मैरी को करना बिल्कुल ज़्यादा सही समझा मैं। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। और अब हम पहुँच चुके हैं गाइज लेवल 3 पे। लेवल 3 पे हमें ये खोज कर निकालना है कि कौन शादीशुदा है, ठीक है। वैसे तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सा ही मुश्किल, अभी लेवल 3 है, इतना ज़्यादा लेवल भी नहीं है, इतना बड़ा लेवल भी नहीं है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना, तब लेवल बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा हो जाता है। चलिए खोज के निकालते हैं इसमें। यहाँ पे हमें हिंट दिया गया टिकट पे, लंदन टू कनाडा जा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है, लंदन टू कनाडा जा रहे हैं और फैमिली डिस्काउंट मिल रहा है, और थर्ड में लंदन टू बेल्जियम जा रहे हैं। तो गाइस फैमिली डिस्काउंट तो तभी मिलता है ना जब कोई इंसान के पास मतलब बीवी बच्चे हों या फिर कोई जा रहा हो साथ में, तभी फैमिली डिस्काउंट मिलता है। तो बी दबाना सही है मेरे ख्याल से तो। हाँ बिल्कुल दबा भी दो, कोई बात और कोई इशू तो है ही नहीं। तो मैं समझ चुका हूँ कि बी ही होगा, क्योंकि फैमिली डिस्काउंट मिल रहा है गाइस। फैमिली डिस्काउंट तभी मिलता है जब किसी इंसान के पास कोई फैमिली जा रही हो, मतलब किसी इंसान के साथ, तभी तो मिलता है, और साइड वाले तो अकेले जा रहे होंगे। चलो ठीक है, तो गाइस बस आज के लिए यहीं तक था। और अगर आप लोगों को ये वाली पजल बेस्ड गेम प्ले पसंद आई हो तो गाइस लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना मेरे यूट्यूब चैनल को। एंड मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन बाय एवरीवन। जल्दी से जल्दी हम लोग नेक्स्ट गेम प्ले भी करने वाले हैं इसके ऊपर। अगर आप लोगों को पसंद आती है ये गेम प्ले तब तो आप लोग गाइस लाइक ज़रूर करना और कमेंट करना इस वीडियो पर। एंड मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन बाय एवरीवन, ठीक है।